गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता लुधियाना से आपको वेलकम करता हूं, आपको स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच में है डॉक्टर अंशुल महाजन, जो लुधियाना में साइकियाट्रिस्ट हैं और यहां पे प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। तो सब आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल कंजप्शन के बारे में, कि जैसे अल्कोहल कंजप्शन सारे हिंदुस्तान में बढ़ रही है और जो डॉक्टर्स हैं, चाहे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, गेस्टों के डॉक्टर्स हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, उनके पास भी जो लोग आते हैं आजकल अल्कोहल की समस्याओं के साथ आते हैं, और काफ़ी किस्म की मेडिकल प्रॉब्लम्स, साइकेट्रिक इश्यूज आते हैं उनके साथ में। आज हम आपसे जानेंगे ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको इस इशू के बारे में थोड़ी जानकारी मिले। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब साहब ये है कि अल्कोहल के बारे में या शराब की कंजप्शन के बारे में क्या नए चेंजिंग ट्रेंड्स हैं? देखिए, अल्कोहल की कंजप्शन डे बाय डे मैं देखता जा रहा हूँ बढ़ती जा रही है। जैसे कि आजकल सोना ज़रूरी है, खाना खाना ज़रूरी है, शरीर के लिए नहाना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है, उसी प्रकार अल्कोहल एक प्रकार की बेसिक नेसेसिटी बनता जा रहा है। चाहे वो टीनेजर्स में देखा जाए, चाहे वो ओल्ड एज में हो, उनकी मात्रा कंजप्शन बढ़ती जा रही है। तो रस्से जी, जो कंजप्शन बढ़ रही है, इसका क्या कारण है? देखिए, कंजप्शन बढ़ने के कारण होता है, जो यंगस्टर्स मुझे बताते हैं कि सर, पीयर प्रेशर, न्यू फ्रेंड्स बनाना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और जो ओल्ड एज बता जो ओल्ड या अडल्ट बोलते हैं कि सर, हमारे डेली लाइफ में इतना स्ट्रेस है, तो अल्कोहल हमें स्ट्रेस कोप करने में हेल्प करता है। तो ये जो डॉक्टर आम कारण है, और मैं देखता हूँ कि अल्कोहल थोड़ा फैशन भी बनता जा रहा है, कि जो लोग शराब नहीं पीते उनको लोग थोड़ा सा मजाक भी उड़ाते हैं पार्टीज के अंदर। जी हाँ, अल्कोहल एक आजकल तो एक फैशन ही बनता जा रहा है, और जो लोग नहीं पीते उनका मजाक बनता है, उनको इनफीरियर समझा जाता है, और उनको कंपेल किया जाता है कि आप भी ड्रिंक लीजिए, इसका कोई नुकसान नहीं होता है। तो कई बार अक्सर आजकल फीमेल पेशेंट भी आते हैं प्रैक्टिस के अंदर, और कई बार फीमेल्स पूछते भी हैं जब उनका डिप्रेशन का या किसी और चीज़ का इलाज चलता है कि हम ड्रिंक लें कि ना लें, तो फीमेल्स की में क्या ट्रेंड है अल्कोहल कंजप्शन का? देखिए, आजकल जो मैं देखता जा रहा हूँ डेली प्रैक्टिस में, कि फीमेल्स भी आजकल जो ड्रिंकिंग पैटर्न में बढ़ता जा रहा है, और सेफ लिमिट की अगर हम बात करें तो फीमेल्स में सेफ लिमिट होती है 7 ड्रिंक्स पर वीक। तो जनरली जो पेशेंट डिप्रेशन के होते हैं, जो एंग्जाइटी के पेशेंट्स होते हैं, उनको तो मैं ड्रिंक अवॉइड ही करूँगा, बिकॉज जो अल्कोहल से डिप्रेशन सिम्टम्स, एंग्जाइटी सिम्टम्स प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। जैसे आपने बताया कि फीमेल्स में 7 ड्रिंक्स पर वीक होती है, और मेल्स में जो ये लिमिट है, ये जो अमेरिकन गवर्नमेंट की लिमिट दी हुई है, अमेरिकन हेल्थ गाइडलाइंस की, मेल में क्या है, यानी सेफ लिमिट है? मेल में ड्रिंकिंग लिमिट होती है 14 ड्रिंक्स पर वीक। यदि इसके ऊपर बियॉन्ड चली जाए तो फिर नुकसान हो सकता है, हो जाता है। और वहाँ पे 30 ml का पैक गिना जाता है, ना कि 60 ml का। तो रस ये बताइए कि वार्निंग साइंस क्या हैं जिससे फैमिली को पता चले या पेशेंट को पता चले भाई अल्कोहल कंजप्शन के वार्निंग साइंस हैं? देखिए, वार्निंग साइंस में पेशेंट सबसे पहले तो क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल कंजप्शन इंक्रीज कर देगा, जिसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। दूसरा होता है कि पेशेंट को पता है कि अल्कोहल मेरे सेहत के लिए नुकसान है, फिर भी वह कंज्यूम करता रहता है। डे टू डे टाइम कंजप्शन, डे नाइट डे कंजप्शन भी बढ़ जाती है, उसकी नाइट कंजप्शन भी बढ़ जाती है, उसके डेली बेस के काम सारे खराब हो जाते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप, वाइफ के साथ रोज डेली बेस पे फाइट होती है, जिसके कारण रिलेशनशिप खत्म भी हो सकता है या डिवोर्स भी हो सकता है। पेशेंट में फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ट्रेमर्स हो गए, कोई हेडेक हो गया, स्टमक अपसेट हो गया, पेट पेन एब्डोमिन हो गया। साथ ही साथ कुछ पेशेंट्स में साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्लीप प्रॉब्लम्स, हेलुसिनेशंस होते हैं, शक करते हैं लोगों पर, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, जैसे चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, ठीक है, अपने काम पे ध्यान नहीं लगा पाते हैं, काम पे छुट्टी लेना शुरू करते हैं, लोगों से झगड़ते रहते हैं, अकेले रह जाते हैं। तो सर, कई बार ये भी देखता हूँ कि जो पेशेंट होता है रात को ड्रिंक करता है, सवेरे उठता है, उसके हाथ कांपते हैं, बेचैनी होती है, उसको विड्रॉल कहते हैं, और सवेरे शराब पीने से बेटर हो जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। जी हाँ, है। जब लोग शराब छोड़ते हैं, ये भी एक मैं पॉइंट मिस करके, जब लोग शराब छोड़ते हैं उनमें विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, ये भी एक किस्म का वार्निंग साइन होता है। और जब शराब छोड़ने के कारण पेशेंट्स में कुछ विड्रॉल साइन प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जो मैंने पहले बताए। सो जो आपने बताया कि अल्कोहल पीने से उसकी मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जॉब में प्रॉब्लम्स होती हैं, रिलेशनशिप में होती है, सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सबसे बताइए, जब पेशेंट हमारे पास आता है अल्कोहल कंज्यूम करता है और फैमिली कहती है जी भाई बहुत शराब पीता है, 4 पैग रोज़ पीता है, 1/2 बॉटल पीता है, तो हमें क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए ताकि पता चले कि उसकी बॉडी की क्या कंडीशन है? देखिए, सबसे पहले तो हमें प्रॉपर हिस्ट्री लेना चाहिए, उसकी पूछना चाहिए कि क्वांटिटी कितना पी रहा है, टेंडेंसी ऑफ हिस्ट्री लेनी चाहिए कि कोई बिहेवियर प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहा है। साथ ही साथ उसके ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हमें फोकस करना चाहिए, LFT में भी SGOT और SGPT और GGT। GGT होता है एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है फॉर अल्कोहल जो लोग पीते हैं। साथ ही साथ इनका ब्लड प्रेशर, या कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, कुछ लोगों में ओबेसिटी की शिकायत होती है, कुछ लोगों में शुगर की शिकायत होती है, तो बाकी
डायबिटीज़ भी, जैसे कि शुगर करवा लीजिए, कोलेस्ट्रॉल करवा लीजिए, और अल्ट्रासाउंड भी मैं कुछ पेशेंट्स को रिकमेंड करूँगा। उसमें अल्ट्रासाउंड में क्या फाइंडिंग्स आती हैं? देखिए, अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि कुछ चेंजेस होते हैं लीवर में जो होते हैं, जैसे कि फैटी लीवर कुछ हो होता है, ठीक है। उसके बाद उसका सेकंड स्टेज होता है हेपेटाइटिस, थर्ड स्टेज होता है हेपेटोसेलोकार्सिनोमा। तो ये स्टेजेस होती हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो मैंने बताया फैटी लीवर होता है, ये रिवर्सिबल स्टेज होता है। इसमें पेशेंट यदि अल्कोहल स्टॉप कर दे तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ये जो फाइब्रोस्कैन है ये कितना हेल्प करता है, क्या बताता है हमें? देखिए, फाइब्रोस्कैन बेसिकली कोई फाइब्रोसिस तो नहीं हुआ है लिवर टिश्यू का, उसको उसमें हेल्प करता है। बिकॉज जो अल्कोहल लोग पीते हैं डेली बेस पे, मैंने आपको सीरीज बताया, तो वो एक टाइम पे क्या होता है कि लिवर फाइब्रोस होना शुरू हो जाता है। तो फाइब्रोस्कैन का बहुत हेल्पफुल रोल है। तो ये पेशेंट हमारे पास आते हैं, जैसे आपने हमें बड़ा अच्छा तरीका बताया कि इनके सिम्टम्स क्या हैं, इनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और हमें क्या क्या टेस्ट करने चाहिए, और जो पेशेंट की फैमिली कहती है, पेशेंट कहता है मेरे इसका इलाज करिए, तो इसके इलाज का क्या एक्सपीरियंस आता है, कितने परसेंट लोग ठीक होते हैं, छोड़ देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसका डायग्नोसिस बनाना ज़रूरी है। डायग्नोसिस बनेगा हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट एंड फ्रॉम द अटेंडेंट। तो उसके बाद ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जैसे एज डिस्कस बिफोर। उसके बाद पेशेंट की काउंसलिंग ज़रूरी है। जिसमें पेशेंट को अल्कोहल के इल इफेक्ट्स बताए जाते हैं, और फिर उसको बताया जाता है कि भाई किस तरीके से अल्कोहल छोड़ी जा सकती है। यदि पेशेंट अग्रेसिव हो, वायलेंट हो, तो कुछ टाइम के लिए एडमिट भी किया जा सकता है। फिर साथ ही साथ काउंसलिंग भी बहुत हेल्पफुल होती है। यदि उसको कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी है, जैसे कोई डिप्रेशन है, कोई एंजाइटी है, कोई और अंडरलाइन डिसऑर्डर, मेडिकल कंडीशन है, उसका इलाज प्रॉपर किया जाता है। और अटेंडेंट्स को भी कोशिश कर दिया जाता है कि भी पेशेंट्स के साथ आप ध्यान से रहें और इसको लिमिट, इसका फाइनेंस लिमिट से लिमिट करें, उसकी कंपनी को चेंज करें। तो सब कुछ ऐसी मेडिसिन भी आती है कि जो अल्कोहल पीने की इच्छा, जो क्रेविंग को कम करती हैं, उसको हेल्प करें अल्कोहल छुड़ाने में? जी हाँ, कुछ मेडिसिंस आती हैं जो कि हम पेशेंट्स को साथ देते हैं, जिससे उसकी क्रेविंग कम हो जाती है। और मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत से मैंने पेशेंट्स देखे हैं, बहुत से लोगों ने शराब छोड़ भी दी है उस मेडिसिन के सहारे, और ओपीडी बेस में ही छोड़ दी है, और फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश होते हैं मेरे से। थोड़ा सा आपकी बातों से पता चला कि जो अल्कोहल कंजम्पशन है उसकी नॉर्मल लिमिट क्या है, कि एक जो फीमेल है अगर वो 7 पैग से ज़्यादा पीती है तो उसको रिस्क है, एक मेल हफ्ते में 14 पैग लेता है 30 ml का उसको रिस्क है, और जो हमारे देश के अंदर कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ तो एक रूटीन कंजप्शन गिनी जाती है, जैसे आपने कहा कि जैसे हमारी डेली नीड्स हो गई हैं, ऐसी शराब भी धीरे धीरे एक डेली नीड बनता जा रहा है। तो यंगस्टर्स में मैं अक्सर देखता हूँ कि जो उनके जॉब्स हैं, जो उनकी पीयर प्रेशर्स हैं या प्रेशर्स हैं, वो कहते हैं हमारे स्ट्रेस रहता है, इसका भी कोई लिंक रहता है अल्कोहल? जी हाँ, मैंने पहले बताया ना कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमें शराब पीने से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म। तो लोगों ने इसको बेसिकली स्ट्रेस कम करने के एक साधन बना लिया है, जिसके कारण उनकी कंजप्शन बढ़ती जा रही है। जो आधा पैग से भी शुरू करते हैं वो एक टाइम पे कंजप्शन उनकी बढ़ जाती है, फिर उनको क्रॉनिक अल्कोहलिज्म होता है, फिर वो एक टाइम पे डिपेंडेंट बन जाते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर अंशुल ने आज हमें अल्कोहल के बारे में, इसकी लेवल्स के बारे में, लिमिट्स के बारे में बताया, इसके मेडिकल साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। तो मैं फ्रेंड्स आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी फैमिली के अंदर, आपके दोस्तों के अंदर, आपकी फैमिली के बाहर जो आपके रिश्तेदार हैं, फैमिली सर्कल के अंदर हैं, अगर आपको लगता है कि उनको अल्कोहल से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जॉब प्रॉब्लम्स हैं, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो सही टाइम पे अर्ली स्टेज पे उनका इलाज करना चाहिए, ताकि वो जो एडिक्शन की हैबिट है, डिपेंडेंस है, उसके बाहर निकले और एक तंदुरुस्त जिंदगी जो है बता सके। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पे आए, आने का शुक्रिया।